कम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लिमिट्स के कंटिन्यूटी के, ठीक है. और साथ में हमने डिस्कस किया था कि रिमूवेबल कंटिन्यूटी जो होती है वो हमारी क्या होती है. नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मेरे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि हमारे पास लिमिट और कंटिन्यूटी के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है उसमें कुछ अननोन वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे. तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमारे पास लिमिट के कुछ क्वेश्चन थे, तो पहले सबसे पहले तो एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं. अगर मुझे टू वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी फंक्शन में, मान लीजिए मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है एक्स इक्वल्स टू दिस और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की, ठीक है. अब नेक्स्ट में हमारे पास वही है कि हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे पास कितने फंक्शन है ए एंड फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज अ कंटीन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वो अपने आप में कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. अब मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी, दो अननोन वैल्यूज ए एंड बी को. देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 3ax plus b when x is greater than 1, 11 when x equals to 1 and 5ax minus 2b when x is less than 1. और मेरे पास जो फंक्शन है एट x equals to 1 पे हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है. अब देखिए क्योंकि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस है सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल तीनों मेरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 1. ये रूल होता है क्योंकि कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो इट मीन्स क्या होगा, उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. और लिमिट वैल्यू जो होती है हमारे पास अगर फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं गिवन फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है. और ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करेंगे जब हमें स्पेसिफाई करेगा कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है. अब हमारे पास सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स, एच अप्रोचेस टू 0 एफ 1 माइनस एच. अब हमें 1 में से क्या माइनस करना है, एच 1 में से अगर मैं एच माइनस करूंगी तो यानी कि 1 से मेरी फंक्शन वैल्यू क्या हुई, छोटी हुई. मीन्स फंक्शन वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन से कंपेयर करेंगे, दिस तो इट इक्वल्स टू कितना हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 5 ए एक्स की जगह मेरा का 1 माइनस एच माइनस कितना आ गया 2. इसको सॉल्व कर लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 5 ए माइनस 5 ए एच माइनस 2 और इस पूरे पे जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5 ए माइनस 2 ये हमारे पास क्या आगे लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है नेक्स्ट हमें क्या निकालने की राइट हैंड लिमिट. अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट लिमिट x approaches to 1 plus fx equals to limit h approaches to 0 f 1 plus h. इस हम इक्वेशन हमें इधर बढ़ा रहे थे क्योंकि यहां से हमारे पास एक वैल्यू भी हमें बनानी. अब देखिए 1 plus h यानी कि जो फंक्शन वैल्यू है वो हमारी किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है. जब 1 से बड़ी तो कौन सा अप्लाई करेंगे, 3x plus b equals to 3a एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एच प्लस कितना हो गया इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 थ्री ए प्लस 3 ए एच प्लस बी इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0. चलिए मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किया इस स्टेप पर, आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 3 ए प्लस बी, ये मेरे पास क्या आ गया राइट हैंड लिमिट.
आप देखिए सबसे पहले फंक्शन जो मेरे पास है वो गिवन है क्या, कंटिन्यूस फंक्शन है। जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो इट मींस क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस है तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगी, हमारी एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है और वो लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको 2a-3b इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2, अब गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और x इक्वल्स टू 1 पे जो फंक्शन वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 11 है। तो इट मींस क्या होगा, इट अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी किसके इक्वल होगी, हमारे फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारे पास, 5a-2 की, तो 5a-2 भी किसके इक्वल होगी, हमारे 11 के, इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा भी कर सकते थे कि राइट हैंड लिमिट को भी 11 के इक्वल रखते थे और लेफ्ट हैंड को भी 11 के इक्वल रख करके दोनों को सॉल्व करते थे, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है क्वेश्चन नंबर 1 and 2। जब 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना है 2 है और यहाँ कितना हमारे पास आया हुआ 5 है। इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इसमें पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 में मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 5 से। 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10a-15b=0। और सेकेंड में हम किससे कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ गया, 10a-4b=20। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ऑन सबट्रैक्शन, तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास -11b=-22, बी के वैल्यू कितने आ गए हमारे, बी हमारे पास हुआ क्या, बाय 1 से हम निकाल देते हैं बाय 1। जब बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो 2a-3b किसके इक्वल है हमारा, 0 के इक्वल। बी की वैल्यू 2 आ गई तो 2a-6 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, a इक्वल्स टू 6/2, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो इस तरीके से जब भी कभी आपको 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करनी है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस गिवन होगा, और जब फंक्शन कंटिन्यूस है हमारे पास तो ये हमें पता है कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और तीनों इक्वल होंगी तो इट मींस क्या, आप ऐसा भी कर सकते थे लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन वैल्यू के इक्वल रखे, राइट हैंड को फंक्शन वैल्यू के इक्वल रखे, उसको सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो 2 तक ही आता है, आपको 3 वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी कंडीशंस को ध्यान रखना है कि जो आप कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास कौन से फंक्शन कंटिन्यूस है या फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखिए हमने उसमें कुछ कंटिन्यूस की टाइप पढ़ी थी कि हमारे पास कंटिन्यूस की टाइप है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट
करेंगे और राइट हैंड भी एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट का मतलब है अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट अप्रोच कराऊंगी तो मुझे फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी और वो फाइनाइट क्वांटिटी अपने आप में क्या होगी इसकी लिमिट पर। बट दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाए और बट ये दोनों आपस में इक्वल ना हो। जनरली क्वेश्चन अगर इस टाइप से आपसे पूछा जाता है किसने कौन किस टाइप के डिस्कंटिन्यूटी है तो उस केस में हमें क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी, लेफ्ट हैंड में निकालनी, फंक्शन वैल्यू अगर हमें डायरेक्ट गिवन है तो कोई यूज करनी नहीं तो फंक्शन वैल्यू भी निकलना डिटरमाइन करना। तीनों को देख करके हम देखेंगे अगर मेरे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन वैल्यू का कोई भी एक लिमिट मेरी फंक्शन वैल्यू के इक्वल है तो हम कहते हैं डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। देखिए अब फंक्शन के सेट फॉर बाय डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड इफ नन ऑफ द लिमिट्स एग्जिस्ट द पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब अगर मेरी राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है मीन्स राइट हैंड लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट का मतलब है कि हम जो वैल्यूज है हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी हमारे पास निकल करके नहीं आएगी तो उस केस में हम ये कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मीन्स वो डिस्कंटिन्यूटी होगी। हमारे पास कौन सी सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिट के अंदर, लिमिट में जो है आपके पास हमें दिखाना होगा अगर एग्जिस्टेंस है तो राइट और लेफ्ट दोनों को इक्वल दिखाना होता है और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन वैल्यू के इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। अब डिस्कंटिन्यूटी हमें तीन टाइम का रिमूवेबल जिसकी डिस्कंटिन्यूटी हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो दोनों तो आपस में इक्वल रहेंगे लेकिन कोई एक लिमिट हमारी फंक्शन वैल्यू में इक्वल हो सकती है। और डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब यह है कि आपकी ना तो राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ना ही आपकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी और यह भी कह सकते हैं कि वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच हो जाती है आपके लिए, तो होती है हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट है जो हमें यूज करने हैं इसके। देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की रेस टू दी पावर जीरो जो होगा हमेशा वो बन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ई रेस टू दी पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी हमेशा किसके इक्वल होता है जीरो के। लॉग वन सबको पता है किसके इक्वल है जीरो के, लॉग जीरो किसके इक्वल होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी के, लॉग इन्फिनिटी हमारा इन्फिनिटी के होता है, लॉग ई हमारे पास वन के इक्वल होता है जब केस ई होता है हमारे पास, ठीक है। और साइन एक्स की एक्सपेंशन कॉस एक्स की एक्सपेंशन आपके सीधा साइन एक्स क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब और फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन। कॉस एक्स क्या होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं यूज करने पड़ सकते हैं कि ये एक्सपेंशन जो आपके पास है वो कहाँ पर यूज होते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसे हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा जिसके इक्वल यूज कर रहे हैं वन के इक्वल करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो यही से आता है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है। बट क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन किया हुआ कहां से आता है। देखिए हमारे पास साइन एक्स की एक्सपेंशन है, इस केस में क्या करते हैं एक्सपेंशन को देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड सो अपॉन कितना मेरे पास एक्स। पूरे केस हमने क्या कॉमन कर लिया एक्स कॉमन कर लिया, जब हमने एक्स कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा मेरे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस अपॉन एक्स, इससे कैसे एक्स के जरा अप्रोच करा दो वन माइनस जीरो प्लस जीरो एंड सो तो रिजल्ट कितना बचा मेरे पास वन, ठीक है। सेम ऐसे हमारे पास किसका आता है टेन का आता है, टेन का हम सीधा क्या करते हैं एक्सपेंशन अप्लाई कर देते हैं टेन एक्स का एक्सपेंशन किया एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस फैक्टोरियल एक्स अपॉन टू, तो आपको क्या करना है सिंपल फैक्टोरियल अप्लाई करना है फॉर्मूले अप्लाई करने के फंक्शन अप्लाई करने और उसके बाद हमारे पास टेन एक्स की आ जाती है, ठीक है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी के ऊपर बेस जरूर मिलता है और वो डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन किस तरीके से है। एक काइंड जो आती है जैसे हमने अननोन वेरिएबल्स की काइंड को करा है तो अननोन वेरिएबल्स में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो अननोन वेरिएबल के जब भी कभी क्वेश्चन आता है उसमें अगर एक वैल्यू निकालनी है तो आपको मिलेगा वो थ्री या
3 में या 7.5 में, और अगर आपको 2 या 3 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको मिलते हैं लेंथ इक्वेशंस में, ठीक है। तो लिमिटेड कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, तो उसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, बट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके लिए। आपके पास जिसमें भी आपको मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक, क्योंकि जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड कंटिन्यूटी से आपके क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, तो उसके क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।